एक चीज में आपकी चैनल की मार्फतों से दर्शकों को एक बात मैं बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम लोगों का YouTube चैनल पे। तो आज मैं मिलने आया हूँ नाथ संप्रदाय का एक तांत्रिक गुरुजी दिलीप नाथ जी से, और अभी मैं उनके साथ हूँ। तो अभिचार तंत्र जो है, इसके बारे में हम लोगों ने और आप लोगों ने भी सुना होगा, तो क्या है ये अभिचार तंत्र, चलिए गुरु जी से हम जानते हैं। आदेश, गुरु जी की आदेश, गुरु जी की कृपा। तो गुरु जी, ये जो अभिचार तंत्र है, ये दरअसल में क्या होता है? देखिए, अभिचार जो तंत्र है ना, ये तंत्र जगत में एक ऐसी चीज़ है जो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है आपकी, तो जिस जैसा जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से काम होता है। इसमें जैसे आपका मारण है, उच्चाटन है, बसीकरण है, ऐसे कई क्राइटेरिया है इसमें, तो सबका अलग अलग विधि विधान है, सबका अपना अलग अलग काम है। उस हिसाब से जिसको जैसा जो जरूरत पड़ता है उस हिसाब से काम को किया जाता है। अभी इधर लीजिए, अगर बसीकरण है तो बसीकरण में उसका अगर सही विधि विधान से अगर काम किया जाए तो वो 100% बसीकरण काम होता है। मारण है तो मारण में भी लोग चलान देते हैं, इसकी कई तरीका होता है, अपना अलग अलग ढंग से लोग काम करते हैं, तो मारण में मारण कर देते हैं तो बहुत कुछ उसका नुकसान हो जाता है इंसानों का। उच्चाटन है, उच्चाटन कर देंगे तो उचाट हो जाएगा लोगों का। तो ऐसी ये सारी प्रक्रिया ये तंत्र विचार में चलते रहता है बहुत सारा। मतलब ये जो आपने बोला मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब क्या अभिचार तंत्र का ही मतलब अलग अलग हिस्सा है? अलग अलग सब हिस्सा है। अच्छा, टोटल कितना हिस्सा है इसका? इसमें देखिए अलग अलग मार्ग है, जैसे आपका देखिए सात्विक मार्ग भी है, वामिक मार्ग है, दक्षिणा मार्ग है, सबका अपना अलग अलग है। तो हम लोगों का लाइन अलग है, तो हम लोगों का लाइन में तो मैं एक लिमिट तक ही आपसे बोलूँगा, ऐसे तो मैं सब कुछ खोलकर नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है? तो अभी जैसे मैं अभी 2-3 ही बता दे रहा हूँ, सारा मैं नहीं बताऊँगा। तो जैसे मारण है आपका बताया मैंने, उच्चाटन के भी बारे में मैंने बताया, वशीकरण के भी बारे में मैं बताया, ठीक। तो ऐसी जो क्राइटेरिया है इन सबों को लेकर ही काम किया जाता है। अब पूछिए क्या जानना चाहते हैं। और ये जो अभिचार तंत्र है, ये मतलब कितना पुराना है? ये आपका 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा, ये महाभारत काल से भी, महाभारत काल में भी था, उससे भी पहले था, ठीक है? और आज भी ये सही गुरु के मार्गदर्शन में आज भी वाकई 5000 साल पहले भी जैसा काम करता था, सही गुरु का मार्ग में आज भी सेम काम ही करता है। इसमें तो कोई कहीं कोई ये नहीं है, मगर अगर गुरु सही रहेगा तो आपका काम भी सही होगा। मतलब ये जो अभिचार तंत्र का हिस्सा है, मतलब मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये इसका मतलब फायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, फायदे की बात है, जैसे धर लीजिए अगर पति पत्नी का अगर झगड़ा है तो पति पत्नी को मिला देना, एक घर उजड़ते को बसा देना, एक अच्छा काम है। अब जैसे मारण में है तो मारण और उच्चाटन को हम लोग जल्दी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु कृपा से या माँ भगवती की कृपा से हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य, करो तो अच्छा करो। जी जी, भले मैं उस विधि विधान, उस विद्या को मैं जानता हूँ, मगर करो तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। अब क्योंकि देखिए, आप अगर किसी के लिए अच्छा कीजिएगा ना, आप जब किसी के लिए अच्छा सोचिएगा ना, तो आपका भी अच्छा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, आप अगर किसी के बारे में अगर सोचते हैं कि उसका कल 4 चक्का गाड़ी हो, तो मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि आपका कुछ नहीं तो एक साइकिल जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच ऐसा है जो उसका अच्छा हो। तो स्वयं ईश्वर माँ भगवती भी देखते हैं, गुरु का भी कृपा पर बना रहता है कि ये अगर दूसरे का अच्छा सोच रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो। मगर इस मार्ग में कुछ लोग हैं जो आपका 2 पैसों का लालच में मारण, उच्चाटन ये सब क्रिया कर देते हैं, लोगों का नुकसान कर देते हैं। इसका जिम्मेदार मगर ईश्वर नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं बोलता है कि आप किसी को बुरा करो, क्योंकि जिसका बुरा हो रहा वो भी इंसान है और करने वाला भी इंसान है। तो अगर वो किसी प्रकार अगर ये क्रिया अगर वो सीख लिया है तो यहाँ पर भगवान उसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं बोला है कि तुम उसको मारण कर दो, उच्चाटन कर दो उसका। अगर वो कर रहा है तो जो कर रहा है वो तांत्रिक उसका जिम्मेदार हो रहा है, और उस तांत्रिक को भी इसका भुगतान भोगना पड़ता है, करवाने वाला भी भोगता है और करने वाला भी भोगता है। इसीलिए मैं इस विद्या सभी को जानता हूँ, मगर मैं इसको प्रयोग में लाना नहीं चाहता हूँ कभी, क्योंकि करूँ तो भला करूँ, नहीं तो कुछ ना करूँ। तो अगर मतलब आपने जैसे कि बोला कि मारण और उच्चाटन आप नहीं करते या करना नहीं चाहिए, मतलब इसका कुछ भी फायदा नहीं है क्या? देखिए,
फायदा इसमें लोग नुकसान के लिए ही ज्यादातर करते हैं, मतलब हाँ, कहने का मतलब ये जन कल्याण के लिए कुछ किया नहीं जा सकता क्या? नहीं, जन जन कल्याण का अवधि इसमें बहुत कम है। मारन मतलब किसी को मार दो, उच्चाटन मन ने उसका सब कुछ उच्छाट कर दो, तो इसमें अब कहाँ से जन कल्याण या फिर अच्छा अब देखना ऐसा। तो हाँ, वशीकरण में अगर गलत सेंस से आया है तो पहले आपको समझना होगा कि ये औरत या ये मर्द ये किस सेंस से आया है, वो उसको पकड़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप उसको देख लेते हैं गुरु कृपा से कि ये आदमी सही नहीं है, किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद कर देगा, फिर ये लड़की किसी इंसान का जिंदगी बर्बाद कर देगा, तो वहाँ पे आप वशीकरण मत करिए पैसों के लिए। हाँ, अगर वो पति पत्नी है, एक घर उजड़ने वाला है, वो घर को बसाने के लिए ये जरूरी है कि उसका वशीकरण कर दीजिए और करके उस घर को बसा दीजिए, एक संसार बस जाएगा। आपको वो दो आत्माओं से भी आशीर्वाद मिलेगा और स्वयं ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देंगे, मगर गलत काम के लिए वशीकरण का इस्तेमाल ना करें, उपयोग ना करें। और एक सवाल गुरुजी अभी मन में आ रहा है मेरा, मतलब देखिए ये तो जो अभिचार तंत्र है इसका ही हिस्सा है मारण और उच्चाटन, अगर इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, इससे किसी का भला नहीं हो सकता है, तो ये जो विधि है ये क्यों है? अब देखिए, जब कोई बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है ना या स्कूल में पढ़ता है तो उसको तो हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसके क्लास में अगर वो साइंस पढ़ा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, वो तो टीचर भी बनता है, मगर वो पढ़ रहा हर सब्जेक्ट को। तो ये हमारी जीवन की इस तंत्र क्रिया के क्षेत्र में ये भी हमारा ये है, जब हम लोग सीखते हैं तो ए टू जेड हर चीज़ को सीखते हैं, मगर साथ में गुरु कृपा से ये भी सिखाया जाता है कि कौन सा चीज़ करना चाहिए कौन सा नहीं। हाँ, खुद की सुरक्षा के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो सीखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसे बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियाँ आती हैं जो हम लोग अगर किसी का भला करते हैं तो उसको अगर हटाते हैं तो वो हमारे ऊपर भी अटैक करता है कि इसके वजह से हम इसका नुकसान नहीं कर पा रहे, तो वो अटैक हम लोग के ऊपर भी करता है। तो अपने सेल्फ सेफ्टी के लिए भी तो हम लोग को जरूरत पड़ता है ना, तो अगर मैं उस चीज़ को नहीं सिखा रहूँगा, नहीं जाना रहूँगा, तो खुद को कहाँ से बचाऊँगा? जब मैं खुद ही नहीं बचूँगा तो अगला को कैसे बचाऊँगा मैं? तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सी विद्याएँ ऐसी है जो सीखना पड़ता है, मगर सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका गलत इस्तेमाल करूँ पैसों के लिए, क्योंकि पहली नंबर बात है जहाँ सामग्री वगैरह खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो किसी से भी पैसा लेकर और कुछ भी गलत कर दो, ये कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा इस मार्ग में जितने हमारे लाइन के गुरु भाई लोग हैं या फिर जो भी तांत्रिक भाई लोग हैं, उनसे हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि करिए तो इंसान का अच्छा करिए और नहीं तो कृपया मत करिए। तो गुरु जी ने हम लोगों को बताया कि उच्चाटन, वशीकरण या मारण मोहन क्या होता है और इसका फायदा और नुकसान क्या होता है, तो अभी मैं गुरु जी से ये जानना चाहूँगा कि जब गुरु जी आप लोग ये क्रियाएँ करते हो तो इसमें आप लोगों को मतलब क्या शक्ति प्रयोग करना पड़ता है? देखिए, ये क्रियाएँ जब हम लोग करते हैं अच्छा के लिए, सब मुहिम भगवती की कृपा से ही होती है और गुरु कृपा से ही होता है। गुरु ने जो मंत्र दिए हैं, जो साधना किए हैं, साधना से और अपनी जो साधना के बदौलत माँ की महिमा से जो शक्ति जो प्रदान माने कर रखी है, उसी के बदौलत ये सब कामों को करते हैं और गुरु कृपा से सफल हो जाता है। बस माँ की कृपा और गुरु की कृपा से ही सफल होता है। हमारा तो काम है करना, गुरु ने जो सिखा के रखा है उसी क्रम पे चलते हैं, करते हैं, बाद बाकी उन लोगों का कृपा काम सक्सेस हो जाता है। और गुरु जी, और एक बात, ये जो अभिचार तंत्र होता है इसका मतलब क्रिया जो होता है, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, इसका मतलब कोई ऐसा स्पेशल टाइम तिथि होता है क्या करने के लिए? हाँ, हर क्रिया की आपका टाइम होता है, उसका तिथि होता है, टाइम, तिथि, नक्षत्र, इन सबों को देखकर ही काम को करना पड़ता है। अगर ये सब को आप नहीं देखिएगा, इन सब को नहीं मानिएगा तो काम कीजिएगा तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये सब को देख के उस हिसाब से जिसके ऊपर किया जा रहा है उसका भी सब कुछ देखना पड़ता है, उसका भी सब कुछ देखना पड़ता है, जो काम कराने के लिए जो आया है उसका भी सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोनों व्यक्ति का देखने के बाद, सब कुछ गणना करने के बाद फिर उस क्रिया को किया जाता है, तब जाके उसका फायदा होता है। एक चीज़ में आपकी चैनल की मार्फतों से दर्शकों को एक बात मैं बोलूँगा
कि ये जो कामाख्या कालीपुर में असम कालीपुर में जो संघ धाम है ये इतनी पवित्र गुरु कृपा से है और ये इतना ही जागृत है कि यहाँ पे जो भी इंसान आके कोई मन्नत करता है तो इस दरबार से कभी वो खाली हाथ नहीं लौटा है। गुरु कृपा से जो भी लोग आए हैं उनको इस दरबार से उनका मनोकामना पूरा हुआ है और वो कभी खाली हाथ नहीं लौट के आते हैं, माँ भगवती की कृपा से, गुरु कृपा से। तो गुरु जी दिलीपनाथ जी से हम लोगों ने जो अभिचार तंत्र है उसके बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन आप लोग इससे मतलब जो भलाई के लिए है उसका ही उपयोग कीजिए, जो बुराई के लिए होता है उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इस वीडियो से अभी हम विदा लेते हैं और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।